हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एस एन चौधरी और साइंस टीचर एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट ऑफ क्लास 7 साइंस। इसमें हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर देखेंगे कि लैब में जो थर्मामीटर होता है वो किस तरह से अलग है क्लिनिकल थर्मामीटर से। देखिए, इसका टेम्परेचर जो हम मेजर कर सकते हैं वो दिया है -10 to 110 degree Celsius, मतलब -10 degree Celsius से इसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर -10 degree Celsius हो तो उसका हम मेजर कर सकते हैं। और क्लिनिकल में क्या देखे थे, उसमें एक विशेष रेंज था क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है तो उसको 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही हम लोग मेजर कर सकते थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाई थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग थर्मामीटर यूज किया जाता है। अब देखिए, एक एक्टिविटी है जो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास थर्मामीटर है, मग है, सब है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बल्ब है। और मोमेंट जो होता है मरकरी का उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। जो थर्मामीटर है इसे मरकरी भरा होता है। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड होता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। थर्मामीटर में भरा रहता है, वो कैसे ऊपर चढ़ता है कैसे नीचे गिरता है इसको एक प्रेडिक्टर द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और कितना कितना क्या टेम्परेचर पॉसिबल है उसको हम लोग अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके लिख सकते हैं। कुछ प्रिकॉशन दिया गया है यहाँ पे, एक वर्ड लिखा है इन एडिशन टू द प्रिकॉशन नीडेड वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर। इन एडिशन टू प्रिकॉशन नीडेड वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी किप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। बल्ब शुड बी सराउंडेड फॉर द ऑल साइड बाई द सबस्टेंस ऑफ व्हिच द टेम्परेचर इज द मेजर्ड। तो बल्ब क्या होता है इसको आप लोग देख लीजिए। जो थर्मामीटर इसके नीचे यहाँ पे मेटल लगा हुआ है, नीचे देखो, नीचे थोड़ा सा मेटल दिख रहा है छोटा सा ना, ये इसे को बल्ब कहते हैं। किस तरह से मेजर किया जा रहा है उसका एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है इस फिगर में दिख रहा है कैसे मेजर करेंगे टेम्परेचर। और अलग अलग कह रहे हैं कि ठंडा वाटर, गर्म वाटर, उससे कम वाटर या कई प्रकार के वाटर लेके उसका टेम्परेचर आप धीरे धीरे चेक करके ये देख सकते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर कैसे होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जैसे आप जानते हैं धूप में कुछ ही पड़ी रहे तो वो गर्म हो जाती है। या फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। चाय का कप बाहर रखे रहेंगे तो चाय रखेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, रखे ठंडा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये सब कैसे होता है
ये सब होता है हीट ट्रांसफर के द्वारा। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया, इसको देखिए कैसे लिया है कि यह एक देखो मेटल लिया गया है, इसे मोमबत्ती चिपका दिया गया है, एक दो तीन चार पाँच जगह यहाँ मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे गर्म होते आएगा मोमबत्ती जो चिपकी है वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी, पहले पास वाला फिर उसके बाद इसका मतलब गर्म करना यहाँ से उसके विकल्प धीरे धीरे हीट बढ़ती इधर आए। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट इन मेटल और सॉलिड नोन एज कंडक्शन। डेफिनेशन मिल गया आपको। और इसी कंडक्शन को रोकने के लिए हम लोग प्लास्टिक या वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कुकर वगैरह में जो हैंडल लगी होती है वो प्लास्टिक की लगी होती है, वुडन हैंडल या प्लास्टिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जिनमें हीट कंडक्ट होता है उनको कंडक्टर कहते हैं, जैसे लकड़ी प्लास्टिक है उसमें हीट कंडक्ट नहीं होता तो उनको इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पे एक दवा लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, तो ये कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है जब कहीं पानी में उसको हम लोग डालते हैं, इसका कलर पिंक हो जाता है। और उसको कन्वेक्शन यहाँ पे कहा गया है, अगर लिक्विड में ट्रांसफर होता है हीट उसको कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन लिक्विड में हीट ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कन्वेक्शन। ये तो हीट ट्रांसफर कर रहा कन्वेक्शन के द्वारा एयर में। यहाँ पे लिखा है ब्रीज, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अगर एयर कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आ रही है, समुद्र से आएगी तो सी ब्रीज कहेंगे, और लैंड से आएगी तो लैंड ब्रीज कहेंगे। लैंड से अगर हवा जाती है समुद्र में तो लैंड ब्रिज, समुद्र से आती है लैंड पर तो सी ब्रिज। इसको ध्यान देना, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज लिखना पड़ेगा डेफिनेशन दोनों की, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब लिखा गया रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है सन से हमको जो एनर्जी मिलती है उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, रेडिएशन के द्वारा आता है हमको मिलता है। सन से जो भी एनर्जी आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, रेज के फॉर्म में आती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। ये नाइट टाइम डे टाइम इसमें दिया गया है, सी ब्रिज लैंड ब्रिज का फिगर बनाया है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएटेड, जितनी गर्म बॉडी है वो हीट को निकालती है, ठंडी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है। एक एक्टिविटी शुरू कर लीजिएगा, और इस तरह से यहाँ एक एक्टिविटी और दिए, फिल द टू कैंस, दो डिब्बे को भर लीजिए, बी इन द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी उनमें बराबर हो, द सेम टेम्परेचर, लीव द कैन इन द रूम और इन साइड, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बोथ द कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट, टू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू योर। तो ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा है वुलन क्लॉथ केप अस वार्म इन, मतलब वुलन क्लॉथ हमको ठंडक में आराम कैसे पहुँचाते हैं इसके बारे में लिखना है, कि ये लोग हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, हीट के इंसुलेटर होते हैं, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसको ठीक से पढ़ लेंगे। और एक चीज़ और, अगर कई लेयर कपड़ा पहनते हैं तो उसके बीच में हवा भर जाती है, हवा भी हीट की क्या होती है, इंसुलेटर होती है। अब यहाँ देखिए हमको कौन कौन सा कीवर्ड पढ़ना है, सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन,
इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर और थर्मामीटर, ये सारे डेफिनेशन जो है लिखने हैं, इसको कल लिखना, आज के डेट में ये लिख लोगे। आज के डेट में लिखेंगे ये क्या नाम है इसका, समरी लिख लेंगे, तो ज्यादा समरी है। जैसे यहाँ शुरू करेंगे, आवर सेंसेज ऑफ टच नॉट ऑलवेज रिलायबल, मतलब हमेशा विश्वसनीय होता कि टच करके हम टेम्परेचर बता दे, हो नहीं सकता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस, थर्मामीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नापते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर द आवर बॉडी टेम्परेचर रेंज जिससे कहता था 35 से 42, इसको याद रखना, और माइनस 10 से 110, ये किसका है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, और 35 से 42 इसका है क्लिनिकल थर्मामीटर है। द वुमेन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, द हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर हाई बॉडी, एक कीवर्ड है ये सब समरी है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, पूछ लेना, बता देंगे इसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट।